अमरोहा में जहरीला चारा खाने से मरने वाले गौवंशीय पशुओं का आंकड़ा 55 हो गया है। साथलपुर की जिस गौशाला में ये घटना घटी, वहाँ तकरीबन 190 गौवंश मौजूद थे। जहरीला चारा खाने से 100 की तबीयत बिगड़ी और 55 पर लोग सिधार गए। ये संख्या पहले 10 फिर 20-25 पहुंची तो प्रशासन के हाथ पांव ठंडे पड़ने लग गए और डीएम ने तत्काल मौके का जायजा लिया, मददों से पूछताछ की और घटना की वजह बताई। सार्थकपुर गौशाला जो कि तहसील हसनपुर में आती है, यहाँ पे हमारे कुल 188 इस समय वर्तमान में पशु हैं और ये मालूम चला कि आज इन्होंने एक नए से चारा लेकर खिलाया है। चारा कल लिया था, खरीदा था और कटिंग करके आज खिलाया है, तो उसके खाने के बाद से कई पशु हमारे जो बीमार पड़ गए और उसमें अभी जो बीमार ज़्यादा पड़ गए थे उनको पॉइजन भी हो गया, तो डॉक्टर से इलाज भी कर रहे हैं और कुछ ऐसे मृत भी हो गए हैं। लगभग अभी तक की जो संख्या हमारी है वो 25 तक के मृत हैं और बाकी इलाज चल रहा है और हमें उम्मीद है कि जल्दी से बाकी स्वस्थ हो जाएंगे। ये कमी जो है इसमें चारे में बता रहे हैं कि चारा खाने से कुछ पॉइजन हुआ है। चारा इन्होंने पहली बार लिया है तो जिससे चारा लिया था उसके खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। वो ताहिर नाम के व्यक्ति से चारा लिया था, पहली बार लिया था, FIR दर्ज हो गई है और उसके लिए कार्रवाई भी कर रहे हैं। उसको पकड़ने के लिए टीम भेजी गई है पूरी जाँच पड़ताल के लिए और इसके अलावा हमारी और मंडली टीम भी डॉक्टर्स की आ गई, दवाएँ आ गई हैं, इलाज चल रहा है। बाकी को जिनको पॉइजन हुआ है जिससे जल्दी स्वस्थ हो सके वो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए। सर क्या किसी और के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है? यहाँ के जो इसके ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं जो इसके इंचार्ज हैं उनको निलंबित करने का निर्णय लिया हुआ। डीएम साहब ने शाम को ये बयान दिया और रात तक संख्या बढ़ाकर 55 हो गई। संख्या बढ़ी तो खबर भी तेजी से बढ़ी और बात अमरोहा से निकलकर राजधानी तक आ पहुंची। मुख्यमंत्री कार्यालय CMO की ओर से ट्विटर पर कहा गया है कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने अमरोहा में हुई गौवंशियों की मृत्यु की खबरों का संज्ञान लेते हुए पशुधन मंत्री को तत्काल मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। ट्वीट में कहा गया है कि मुख्यमंत्री जी ने अपर मुख्य सचिव डायरेक्टर पशुधन व मुरादाबाद कमिश्नर को पूरे मामले की जाँच रिपोर्ट सौंपने हेतु निर्देशित किया गया है। CMO के मुताबिक मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस कृत्य में लिप्त दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। त्वरित कार्रवाई में गौ आश्रय स्थल के प्रभारी ग्राम विकास अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है। चारा देने वाले शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जांच के आदेश हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि जांच में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा, साथ ही साथ मामले में और किस किस की भूमिका निकलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।